अभी कुछ ही देर पहले पूरी केपॉप इंडस्ट्री के लिए, करोड़ों केपॉप फैंस के लिए एक हिला देने वाली खबर कोरिया से आई, जिसने फैंस को एक बार फिर से अंधेरे में डाल दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है आखिरकार केपॉप इंडस्ट्री में ये सब चल क्या रहा है। जब अभी कुछ ही घंटे पहले फेमस कोरियन आइडल पार्क बोरम की सडन डेथ की खबर आई। हाँ, अब लोगों को नहीं पता तो आपको बता दूं कि पार्क बोरम एक फेमस कोरियन आइडल थी जिन्होंने के सुपरस्टार नाम के शो में पार्टिसिपेट कर अपना करियर स्टार्ट किया था, और आज वो 30 साल की उम्र में अपने फैंस को इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, जिसके बाद पूरी केपॉप इंडस्ट्री में शोक की लहर है, फैंस उदास हैं और हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है आखिरकार 30 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी जान ले ली। तो जब भी किसी कोरियन आइडल, किसी कोरियन सेलिब्रिटी की डेथ होती है तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी थ्योरीज वायरल होने लगती हैं, डेथ इस रीजन से हुई, डेथ उस रीजन से हुई, और पार्क बोरम को लेकर भी इसी तरह की बातें डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है। रिपोर्ट्स का कहना है कि पार्क बोरम अपने दो दोस्तों के साथ उन्हीं के घर पर ड्रिंक कर रही थी, तभी वो बाथरूम के अंदर जाती हैं, लेकिन काफी देर तक ना आने के बाद उनके दोस्तों को शक होता है, तो वो दरवाजा तोड़कर किसी भी तरह अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पार्क बोरम वहां अनकॉन्शियस पड़ी हुई है वैनिटी के पास। फिर उन्हें CPR देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो होश में नहीं आ पाती, जिसके बाद उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां 11:17 पर डॉक्टर्स उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके बाद काफी सारे लोगों का कहना है कि शायद उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, जो बहुत ज्यादा सडन था। हालांकि इसे लेकर कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, हालांकि सुसाइड जैसी बात या फिर उन्होंने अपनी जान खुद ली है, इस तरह की चीजें पुलिस ने भी रिपोर्ट में नहीं बोली है, जिससे उनकी डेथ का कारण कुछ दूसरा ही माना जा रहा है, जिसके लिए पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सभी को रियल ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है कि कब ऑटोप्सी रिपोर्ट आए और उनकी डेथ का एग्जैक्ट रीजन सभी को पता चले। लेकिन तब तक हम इंडियन BTS आर्मी की कंडोलेंस उनके साथ और उनकी फैमिलीज के साथ हैं। आप लोग भी उनकी आत्मा के लिए प्रे करो, और प्रे करो कि पॉप में चल रही है के बाद एक ये शॉकिंग घटनाएं बंद हों।